शुरू करते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सभी को, सारा डाउनलाइन अपलाइन को बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सभी लोगों का सहयोग है इस सिस्टम में। तो हम अब सुनाते हैं नौकरी वाले को क्यों करना पड़ा इस बिजनेस को। तो शुरू में सब तो जानते ही हैं, पूर्वज सारे लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हर लोग कान में डालते रहे पढ़ो पढ़ो। हम लोग भी पढ़ के बहुत पढ़ते रहते थे, पूरा मेहनत करते रहते थे। लेकिन पढ़ाई में भी मेरा शुरू से ही आदत था ना कि जो टॉपर लड़का है उससे दोस्ती करो, और जो अच्छा टीचर हर जगह अच्छा किताब का चुनाव, ये मेरा मन शुरू से ही था, दैविक गुण या जो कहिए। क्योंकि ज्यादा लोग पढ़ के गड़बड़ा ही जाता है, वो चुनाव नहीं करता, हर जगह कोच को चुनने में फेल हो जा रहा। क्या अपना बिहार में देखिए, कोई क्रिकेटर या फुटबॉलर बना क्यों नहीं बना, अच्छा कोच नहीं है। और देखिए हर फील्ड में प्लेग्राउंड में पूरा खेले हो रहा है, दिन रात बॉल टूट रहा है तो बल्ला टूट रहा है, फुटबॉल सब सरकार का खर्च भी हो रहा है, लेकिन कोच नहीं। तो वही हमारा आदत था, जैसे तेज लड़का जो था दोस्ती किए उसके लिए सीट लूटे रहते थे, हम 10 मिनट पहले जाते थे तो खुश होता था पूरा, यार हमारे लिए सीट लूटे रहता है, उसको ट्रॉफी दे दे के फुसलाए रहते थे। उठने का हमारा आदत था ना, कुछ दीजिएगा तो ना गुरु से ज्ञान मिलेगा ज्यादा। आज के गुरु है फ्री वाला है, कोई पढ़ाने वाला कहीं कोई किसी को मिल नहीं रहा। तो हम लोग को वो मिल गया था, दोस्ती में मिल जाता है कि चलो एगो ट्रॉफी भी खिलाए। तो दोस्त के साथ मैंने बैठते बैठते हम भी धीरे धीरे अच्छा होने लगे, पढ़ने में मैंने इंटरेस्ट जाग गया, तो ध्यान देते थे क्लास में भी। तो पढ़ के समझिए जब मैट्रिक पास किए, तो मैट्रिक थोड़ा मैंने कुछ कमजोर था, जब पॉलिटेक्निक में नहीं हुआ तब हमको लगा अब अगर IAS से गड़बड़ा जाएंगे तो इंजीनियरिंग भी मेरा गड़बड़ा जाएगा। तो हमको सबक सीखे उससे और 10 के पढ़ने लगे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारा, पास हो गए। तो फिर कंपटीशन ये पटना भी आए कुछ कोचिंग में, सोचा कमी था, पिताजी को वेतन बहुत कम मिलता था, छोटा पोस्ट पे ना थे, छोटा पोस्ट पे तो कम मिलेगा, हम लोग समझिए अंडा नहीं खाते थे कि चलो भाई 2 रुपया 1 रुपया बचाने के लिए गाय घाट से महेंद्र कोचिंग जाते थे सर। तो लगता था बच गया 50 पैसा 1 रुपया तो उसी का अंडा खाते थे सर। तो वहां भी कोचिंग में मन से पढ़ने लगे, जो तेज लड़का है उससे दोस्ती करने लगे, फिर कंपटीशन देना शुरू किए। कंपटीशन में हो गया हमारा मैंने पहले तो दीजिए IAS मैंने इंजीनियरिंग का कंपटीशन, तो पूरे बिहार का लोग फॉर्म भरेगा वहां चुनाए। फिर 5-4 साल पढ़िए इंजीनियरिंग, मुजफ्फरपुर में मौका मिला, वहां से पढ़ के निकले तो फिर कंपटीशन मैंने देना, फिर दिए MTech के लिए कंपटीशन ऑल इंडिया, जहाँ 30 सीट था पूरे इंडिया में, तो 21वां पोजिशन आ गया हमारा। तो बम्बई में 2 साल पढ़ने का मौका मिला सरकारी खर्च पे, तो लगा कि अब तो बड़ा आदमी बन जाएंगे, चलो बम्बई में पढ़े। फिर बिहार सरकार का एक मैंने नौकरी के लिए कंपटीशन निकला, फिर रिटर्न दीजिए, मेंस दीजिए, मैंने इंटरव्यू दीजिए, मैंने ये लफड़म। तो जब जॉब हो गया तो लगा अब तो शहर का बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, लेकिन देखे धीरे धीरे पैसा साल में बढ़ता था, 9000 से 2003 में शुरू हुआ नौकरी मेरा, अब देख रहे हैं हर साल मैंने 1000 2000 बढ़ रहा है 3000, और मेरा सपना धूमिल हो रहा था। अब पिताजी अलग प्रेशर दे रहे थे, तुम बड़ा मकान नहीं बना रहा है, जल्दी चाहिए, इतना अच्छा नौकरी हो गया है सारा। तो हमको बार बार लगे कि क्या करें भाई, टाइम पे वेतन नहीं मिलता है, कर्जा पे जिंदगी जीना पड़ता था, यही सोच लीजिए मैंने ये हालत। तो कुछ सज्जन अब मिल गए हमको नौकरी पीरियड में ही, बोले क्या सर मजा आ रहा है जॉब में, तो अंदर से असंतुष्ट है ना, क्योंकि जो घुसखोर था ऑफिस में वो हंसते मुस्कुराते रहता था, हम लोग सीधा आदमी उतना उस तरह का थे नहीं, हम लोग को मैंने अभी भी गच्चा दे दे के स्टाफ लोग निकल जाता, कहेगा कुछ नहीं मिला सर, बदमाश है ये है वो है सर। तो लगा कि यही एक प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ याद दिलाया जाता है, हर बार लोग याद दिला रहे थे क्या सर अच्छा घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, देश विदेश घूमना है, बच्चे की अच्छा शिक्षा के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। लेकिन तो यहाँ लगा एक आशा का किरण जागा,
कैसे है देश आजादी की लड़ाई में, जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन लोग को अंग्रेज बड़ी मार मारता था, तो इन लोग को रहा नहीं गया, बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये अंग्रेज को भगाना होगा परमानेंट, अब जान जाए चाहे कुछ भी जाए, तो परमानेंट भगा दिया था। आज हम लोग उनका खानदान है, सुरक्षित है ना, तो उसी तरह से घर का गरीबी दूर करने के लिए हमको भी तो अच्छा संगति चाहिए। अब जैसे आपके पहले भी नौकरी आपके जनरेशन में भी लोग किया, लेकिन कितना लोग आगे बढ़ रहा है, कितना लोग कार खरीद रहा है, देश विदेश घूम रहा है, वही गार्जियन के मकान में 80% आदमी माइये बाप के मकान में रहता है, 20% रेंट में रहता है समझिए। फिर अब यही सोचिए कि अब 2030 में फिर आपका बाल बच्चा बड़ा होगा, शादी होगा, तो पिताजी का मकान कितना काम करेगा। तो हमको अब अच्छा संगति में जब तक जाएंगे नहीं, अच्छा आदमी बनेंगे नहीं। हम लोग खाली लड़खड़ाने में लगे हुए थे, कुल दादा परदादा का मैंने नकल कर करके। अब जैसे बोकारो धनबाद में कितना लोगों को नौकरी लग रहा था 1960 में, कोई 5 रुपया में जाना नहीं चाहता था, कुछ लोग कष्ट करके मैंने हर चीज का जारी ले लिया कि वो हर साल बढ़ते जाएगा पैसा, तो चलो ठीक है। अब बहुत सा सोचा रहे 5-6 रुपया मिल रहा है, अब यही सोचिए ना, बोकारो प्लांट जो है उसके आगे एक टुपका डीह गांव है, उस गांव में 2-4-5 गो नौकरी कर पाया, चाहता तो सब अमीर हो जाता। उस समय पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा था, बच्चा का पढ़ाई का समय था, अच्छा स्कूल था, हम लोग भी वहीं से पढ़ के निकले सारा, तो मजा आते गया। तो यहाँ भी लोग बार बार याद दिलाए, मैंने हम लोग भी ज्वाइन किए तो सुस्त थे, यहाँ तक मैडम तो भगा देती है, जाइए ये सब नहीं करना है, ये सब ठकिया होता, लेकिन लोग पहचानने में मिस्टेक करता। जैसे इतना टीम में लोग अभी जुड़े हुए हैं, सब लोगों को पढ़ने का मौका मिला, लेकिन चुनाव में गड़बड़ा गए अधिकतर लोग, जिस कारण बहुत लोग नौकरी से वंचित हो गए, जिसे उस समय पढ़ रहे थे संगति में रखते था स्कूल का। अब समझ में आता होगा, जब समय चुक जाता है ना, तब समझ में आता है कि डीपीएस और यशवंत जेवियर सैनिक स्कूल और नेत्रहाट कितना अच्छा स्कूल है। जिस समय मौका मिलता है लोग ध्यान से देता नहीं, यहाँ भी वही बात है। अब जैसे एक स्कूल खुला तो मार्केट में हजारों स्कूल खुलता, लेकिन आपको भगवान दिमाग और बुद्धि दिए हैं तो चुनना पड़ेगा ना आपको, चुनाव नहीं करिएगा तो भगवान जाल में फंसाने वाला सिस्टम भी बनाए हुए, इसी में कोई निकलता है कोई फंसता है। तो हजारों कंपनी मार्केट में है लेकिन फेस्टिज जैसा नहीं है, तो हम फेस्टिज को भी पहचाने, जान अच्छा से समझे कि कितने कंट्री में है, तो पता चला अरे 7-8 कर करके फंस जाते हैं। जैसे एक क्लास में कैसे 50 लड़का पढ़ता है तो 2-3 गो ना जिंदगी में नाम करता है, बाकी तो गड़बड़ाता ही है। तो यहाँ जब सीनियर मिले सपना का याद दिलाए कि सर आपका सपना क्या था, वो मिल नहीं रहा, आपके बॉस को मिला कि नहीं जो पहले रिटायर हो गए सब। आज भी देखिए कोरोना में 3-4 गो मेरे रैंक का मर चुके, बेतिया का मर गए, आपका मधुबनी का मर गया, और 2-3 गो अभी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, हालत दयनीय। तो यहाँ लोग बताया कि सर हम लोग मैंने फार्म वाला मुर्गा कैसे है, बहुत कमजोर होता है ना, क्यों कमजोर होता है, साधारण खाना खाता, तो हम लोग भी तो वही खा रहे थे, नाम के लिए फुलल थे फार्म वाला मुर्गा की तरह। अब देहाती मुर्गा है देखिए, वो हर तरह का हर वैरायटी का चीज खाता है, कीड़ा मकोड़ा दाना पानी सब खाता है बदल बदल के, तो उसका मांस कितना चिमड़ा होता है। यही अगर फार्म वाला मुर्गा एक ही खाना, तो हम लोग भी एक ही ना खाते हैं, एक ही खा खा के अपना भी जिंदगी फार्म वाला मुर्गा की तरह, कभी बल तोड़ निकल रहा है तो कभी माथा दर्द हो रहा है तो कभी टहना दर्द हो रहा है, मैंने परेशान हो रहे थे सारा। तो याद दिलाया एक मैंने अच्छा सीनियर सज्जन मिल गए, तो याद दिलाया कि सीमेंट का जानते हैं नाम, तो हम बोले जी सर, तो अगर दीवार में कम सीमेंट दिया जाएगा तो मकान तो बन ही जाएगा, लेकिन लाइफ आपको पता चलता होगा, सरकारी बिल्डिंग का लाइफ है एक प्राइवेट बिल्डिंग का लाइफ, दोनों में कितना फर्क है, सीमेंट कम दिया गया तो लाइफ खत्म। तो हम लोगों का भी वही बात है, विटामिन मिनरल हम लोग कम खा रहे थे, बार बार मैंने डेली कमी हो जा रहा था, तो हम लोग वही फार्म मुर्गा की तरह
कोई मोटा हो गया 125 kg वजन, कोई 150 kg। अब हमारे ही मैंने पहचान में 125 kg वजन मोटा तगड़ा, तो सर अच्छा खाना खाते हैं, जो कोरोना में 20-25 दिन भर्ती रहा, आज 10-12 लाख रुपया लग गया। तब हम बोले खाली ऊपर से पेस्ट साबुन चाय लेने से काम होगा कि अंदर से भी लेना चाहिए, दोनों तरफ से लीजिएगा तब ना आएगा। तो यहाँ वही बताया गया एक से एक वैरायटी का सप्लीमेंट। हम बोले भाई कैसे, तो बार बार आइएगा नहीं। तो बोला सर मीटिंग चलता है, इसका किताब मैंने कैसेट है, यूट्यूब में लोड है, हर चीज का सीखिए, हर रेंज का किसान का भी सीखिए ब्यूटी केयर अपना शरीर बनाने के लिए। क्योंकि बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन सब भुला गया आज के डेट में स्वास्थ्य ही धन है। मार्केट जाते हैं तो काजू और अखरोट का जो देखते हैं पैकेट तक घूम जाते हैं कि अरे 600-700, लेकिन यहाँ सब आपका हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगा। जब अमिताभ बच्चन तेंदुलकर करोड़ों में कमा रहा है प्रचार में, तो हमको कंपनी मौका दिया है तो जम के प्रचार करना है। तो हम लोग भी लगा चलो, पहले तो एक साल बैठे रहे, जैसे वो आदमी ज्वाइनिंग वाला आया ना तो मैडम भगा दी, तो डरे डरे बेचारा 6 महीने बाद फिर आया, तो आया फिर जुड़ गए। तो हम मेरा हालत मैंने ऐसा था कि फेस्टिव का प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे थे, मैंने 2011 में वेतन और इतना मैंने दूसरी कंपनी में कर्ज लद गया था कि मेरा हालत खराब हो रहा था। तो सीनियर को बोले कुछ उधार दीजिएगा सर, तो बोला हाँ दे देंगे लेकिन पैसा 3-4 दिन में दे देना हो। तो उधार मांग के 2-4-10 घर ट्राई किए, ट्राई किए तो उसमें है 2-4 घर में बार बार वो मांगने लगा, लगा दूसरी कंपनी में बार बार मांगता नहीं था, महंगा के चलते गड़बड़ा रहा। यहाँ तो ढेरों वैरायटी है, पेस्ट है तो 5 तरह का पेस्ट है, साबुन है तो 5 तरह का, बिस्कुट देखे तो 225 तरह का। तो यहाँ हमको लगा रही तो चल जाएगा सारा इस सिस्टम। जब दोबारा मांगने लगा पैसा ले लेके देने लगे तो मेरा बिजनेस भी बढ़ते चल गया धीरे धीरे, कमीशन भी बढ़ते चल गया, हर तरह का फंड समझने लगे। वही हम लेट से समझने लगे तो भी हम मैंने समझिए 2 साल में कार मिल गया हमको। भाई इसमें रेगुलर लगे रहना होगा, ये नहीं कि आज एक प्लान दिखाए 5 दिन के लिए बैठ गए। अब आप ही सोचिए घर में आपका पंखा अगर 5 मिनट ऑफ करें 5 मिनट चालू करें तो मजा आएगा आपको, नहीं आएगा जिंदगी का मजा। यहाँ रेगुलर करिए, एक मैराथन दौड़ देखते हैं, सुने होंगे 30 किलोमीटर लंबा दौड़, या टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, तो ठोक ठोक करके डटे रहना, जो डटे रहेगा वो मार लगा बाजी। हम लोग भी जॉब करके धीरे धीरे पार्ट टाइम निकाल कर डटे रहते थे, आज भी हम पार्ट टाइम में है समझिए, मेरा पोस्ट बड़ा है तो हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं कि चलो उधर से हमको लिस्ट बनता है और लोग वैल्यू देते हैं। अब आप लोग हैं अभी थोड़ा मैंने ज्यादा लोग बेरोजगार टाइप के, तो आपको ज्यादा लोगों पर प्रैक्टिस करना होगा। अब प्रैक्टिस करते करते बहुत लोग विद्वान हो जाता है। अब जब कुआं पे पत्थर रस्सी से घिस जाता है, बार बार चलते चलते नया सूचना दीजिए तो उसको लगेगा अरे इस एंगल से भी अच्छा है, चलो इस एंगल से भी ये भी आ गया, ये भी आ गया। एक ही चीज सोचिएगा पेस्ट चाय साबुन बरस तो लगेगा अरे इतना ही सामान है इसमें, इससे क्या होगा सारा। तो हर एंगल से बताइए, हम लोग जैसे हर तरह से बताते हैं, जैसे 50 साल का प्लान पसंद है कि 5 साल का, अभी तक हम लोग का गार्जियन पूर्वज सब सिखाए 50 साल का प्लान, और 50 साल बचने देंगे भगवान तना कमाएगा, तो उसके पहले कितना लोग हो गया समझ में नहीं आ रहा, थाना में देखिए कितना मोटरसाइकिल लाइन में लगा हुआ, को तो समझिए कार खरीद लीजिए, गर्मी में एसी चला के चलिए, जाड़ा में हीटर चला के चलिए, चरचक्का से न जानवर से डर है, न कुत्ता से डर है, न ईटा पत्थर से डर है, न आंधी तूफान से डर है, अब दुचक्रों में तो हर जगह टेंशन है। इतना लोग हम भी सोचते थे दुर्घटना में ये मर गया, एक समय मेरे घर में भी माँ का दुर्घटना में एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तब हमको ये बार बार याद सता था कि किसी कारण हम चले गए, तो समय से पहले क्यों नहीं तैयारी कर ले, हर जीव जंतु समय से पहले तैयारी करता, देखते हैं पेड़ पौधा समय पे फलता, हम लोग है समय पे करते नहीं है, चुप जाते हैं बैठ के फालतू समय बर्बाद करके गड़बड़ा जाते हैं।
यहाँ पर बार बार आइए, मीटिंग में देखिए, नॉलेज सीख के कैसे नहीं काम होता। और जो जो अच्छा लगा, हम भी आज कल खूब नॉलेज ले रहे हैं, नोट बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं पूरा, जो भी आता है ना खेती बाड़ी वाला है रिकॉर्डिंग के साथ, तो नॉलेज लेते जा रहे हैं। तो सीनियर उसी में कुछ बोले कि चील बनना है कि नहीं, हम बोले हाँ सर, बोले बनना चाहिए, चील को कहाँ कोई मारता है, लेकिन मुर्गा चूजा दिन भर टुक 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 खाता है, पेट भरता नहीं है, चील देखिए बड़ा शिकार पकड़ता है। एक बार बड़ा तार के पेड़ पे गया, घोंसला में अपना बच्चा को बस दे दिया, खा रहा है बैठ। और भी चिड़िया है, पंख का सही यूज नहीं करता, अपना ताकत का मिसयूज करता है तो मारा जाता। हम लोग भी अपना ताकत का मिसयूज कर रहे था ना, हम लोग को बहुत चीज है हम लोगों को मारने के लिए। देखिए बेरोजगारी मारिए रहा है, महंगाई मार देगा, मिलावट मार देगा आपको, इनकम टैक्स मार देगा, सर्विस टैक्स, इतने तरह का महंगाई बढ़ रहा है, देख रहे हैं तेल डीजल कितना महंगा हो गया। एक मैंने छोर से पटना दूसरे छोर जाइए तो 200-250 से 300 लग जाएगा आज के डेट में, मैंने इतना टेम्पो भाड़ा है हम लोग जो देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पैसा का हम पैसे बिछा दिए, नौकरी में तो बाल्टी बाल्टा से डेली ढोना पड़ता, यहाँ है कि पाइप बिछ गया तो अब चिंता नहीं है, 10 तारीख को आ जाता है वेतन से पहले यही आ जाता। अब जैसे देखिए ताजे महल देखने में कितना अच्छा लगता लगता है कि नहीं, तो क्यों अच्छा लगता है, उसको बनाने में भी समय लगा। तो इस बिजनेस को भी थोड़ा कष्ट होगा ही, 2-3 साल वो आपको डमाडोल बार बार मन में करेगा, और अंदर वाला आंख से देख के बिजनेस, हम लोग कुल बाहरी आंख से देख के बर्बाद होते जा रहे। और आंख में आंख मिला के बताइए, आज हो चुका था गार्जियन का सब खत्म, लेकिन हमको आदत है कहीं भी डांट डपट कोई अच्छा चीज वो सब हम सुनते रहते हैं, कहीं कोई बता रहा है तो हम ध्यान रखते हैं उस चीज का। और ये बिजनेस है ना, चट्टान देखे है ना, चट्टान बड़ा पत्थर का समझिए, उसको एक बार पहाड़ पे चढ़ा दीजिए कैसे है, हम लोग चढ़ा दिए कुछ लेग को पहाड़ पे, मतलब चट्टान रूपी पहाड़ को ठेलते ठेलते ऊपर, वो अपने फिर लुढ़कल चल जाएगा, कैसे है आज तो इतना बड़ा बिजनेस, आज 1 करोड़ का बिजनेस हो जाता है तो बहुत खुशी होता है कि चलो 3.5 लाख टीवी का लगभग हो जाता है। लॉकडाउन में भी 2-2.5 लाख भी जा रहा है तो ये कम है सारा, तो यहाँ अनलिमिटेड है ना पैसा, अनलिमिटेड है, टाइम भी आपको मिलते रहेगा, पैसा नौकरी है, बार बार सबको पढ़वाइए तो सारा जनरेशन पढ़ेगा तब ना आपका है, मैंने जिंदगी बनेगा, लेकिन पढ़ा पाइएगा तब ना, पढ़ाइयों में बड़ी खर्चा। हम देखिए बच्चे को कोटा में भेजे हैं, कोटा में भेजे हैं तो वहाँ 5 लाख खर्चा है 2 साल, कोटा वाला का है 2.5 लाख, 2.5 लाख हॉस्टल चार्ज, अगर जॉब में रहते तो हम कर नहीं पाते, सोचता है छोड़ो वही पैसा से बच्चे का शादी कर दो, लेकिन आज मजा आता है, जिधर जो मांगा बच्चियों को दिए रहते हैं, जाओ 2 लाख 2.5 लाख जो खरीदना है टैब खरीदो, जो किताब खरीदो, तो रेलम रेल दीजिएगा तब ना जिंदगी बनेगा क्या, रखिएगा देहाती गाय, कहिएगा 20 केजी दूध मिल जाए तो काम चलेगा आपको, उसके लिए हाइब्रिड गाय सब रखना होगा, डेनमार्क वाला मैंने जर्सी गाय सब आता है तब ना सपना देख सकते हैं। अब 5,000 वाला जंगली गाय, एक बोकारो धनबाद में हम लोग पहाड़ी गाय देखते थे उससे, वही हम लोग कर रहे हैं, कुल गलत संगति में फंस गए, तो अच्छा बनना है तो आज भी मौका है हम लोगों को कि चल अच्छे संगति में अब तो चले जाए। चीटी को देखिए समझ में आएगा कितना उसका, आप लक्ष्मण रेखा खींचते हैं आपका चीटी घर से भागता है नहीं, उसका सारे चीटी का ड्रीम एक जैसा कि नहीं हमको अनाज में अनाज बिल में ले जाना है हर हाल में, जितना भी मुसीबत आए, हमको पानी आए, बाधा आए, रास्ता बदल बदल के भी हम लोगों को करना है तो करना, कितना चीटी मर जाता है फिर भी रास्ता छोड़ता, जंगले में देखते हैं जंगल में जीव जो है शेर पकड़ा किसी को तो जिंदे उसका मांस नोचता, सोचिए क्या जिंदगी होता, हम लोगों को तो आज जिंदे मांस नोचने वाला नहीं है ना कोई, समझिए जान मारने वाला अंग्रेज है, आज तो फ्री है हम लोग, हर जगह हम लोग है बता सकते हैं,
कहीं कोई कहने वाला नहीं है कि ये मत करो। यहाँ आपको सब लोग कहेंगे कि नहीं करिए, ये हो सकता है, सारा चीज हो सकता है सारा। अब राम, अब रामे जी का उदाहरण देखिए, वनवास का उनको दिया गया तो कर्म निभाए, उस समय उनको दंड दिए समाज का लोग, नहीं आपको है जो 14 साल के लिए जाना। लेकिन वहां सोचिए कितना मुश्किल से जिंदगी जी के, और अपना उस सेना तैयार किए, चाहते तो जनक जी का सेना था, रामचंद्र जी का सेना था, जो अयोध्या में पड़ा सेना भरत जी का, चाहते तो सबको बुला के जान मार देते, लेकिन ये सोचे नहीं, हम मैंने एकदम गरीबी से और उस मैंने शैतान को अगर मार दे तो नाम हो जाएगा दुनिया में। आज देखिए सबसे ज्यादा पूजा तो रामे जी का ना होता, हरा था और भी थे उनका भाई, कह गो के पूजा होता है। तो जो ढंग से करेगा, नियम से चलेगा और अच्छे लोगों के संगति में रहेगा, उसका अच्छा जिंदगी बनेगा। जी, जैसे जानते हैं हम जब नौकरी में आए तो वहां हम देखने लगे कि हमसे बुड़बक बुड़बक, हम जैसे पढ़े हैं पीजी तक, लेकिन मूर्ख मूर्ख क्या किया ना, पैसा और पैरवी उस समय लगा लिया, कोई राज्यपाल से कोई लालू यादव से उस समय लगा लिया, और वो हमसे रैंक में ऊपर चला गया। हमको ये दिमाग नहीं कि हम ऊपर चले जाएंगे तो मेरा प्रमोशन जल्दी होगा, तो हम देखे गधा बन के कोई डिप्टी डायरेक्टर 6 जिला का मालिक बना हुआ। यहाँ देखिए कि यहाँ वहां अंधरा लंगड़ा लुल्हा काना बहरा समझिए पैरवी पैसा से सब चला जा रहा, लेकिन यहाँ जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वही जाएगा। यहाँ न रिजर्वेशन है न कुछ है, सबके लिए जनरल फाइट करना, तो ये जगह ज्यादा ना मजा है। वहां तो हम लोग आज भी तरसते हैं कि SC ST का इतना छूट मिल जाता है, वो पढ़ता नहीं है, उसमें रहते तो आज इसमें करिए। यहाँ तो किसी का नहीं, कितना बड़ा नेता आ जाए उसका भी यहाँ हालत खराब हो जाएगा हम लोगों को। तो समय से पहले तैयारी रखिए, अब जैसे अभी बीमारी का समय, आप अगर पहले तैयारी नहीं रखेंगे, घर में किसी को कोरोना हो गया 10-20 लाख का जरूरत है, तो अगर नहीं जुटा और मर जाता है रोगी तो कितना तकलीफ होगा आपका, कि अरे मैंने हमको रहते हुए है जो गड़बड़ा गया सारा सिस्टम। मेन तो महंगाई है, आपको पैसे जमा नहीं करने थे, 25,000-50,000 में क्या होगा आपको सर। एक चिड़िया देखते हैं कितना अच्छा से समय से पहले घोंसला बनाता, सारा घोंसला बना के पांडा बच्चा को सेफ। हम लोग अपना बच्चा को सेफ नहीं रखते, सेफ रखना है तो बिजनेस एक बार अच्छा मौका है कि ज्वाइन करके और अपने समझ जाइए, जितना जल्दी समझिए। जूम में लाइए तो 50 आदमी हर आदमी कि नहीं बढ़ते हैं, उसके बाद हमको कहिए। यहाँ आपको 1200 आदमी को हर हाल में प्लान दिखाना होगा, क्राउन बनना, जिनको 1 लाख ऊपर जाना, ये नहीं कि 25 आदमी में बार बार उसी पे जा रहे हैं, क्योंकि गधा को कोई नहीं आगे बढ़ा सकता। अब गधा घोड़े जैसा देखने में लगता है, कहिएगा इसको चाबुक मार मरा दीजिएगा, संभव नहीं ना, हर जगह का प्लेटफॉर्म होता। यहाँ आपके आंख के सामने कितना लोग अमीर हो गए, ऑडी लिए, कोई BMW लिए, कोई फ्लैट बुक करा रहा है, विदेश बार बार जा रहा है। तो और बाकी जनरल आपके गांव में कई गो विदेश गया, कई गो कार लिया आपके यहाँ, कई गो अपना मैंने जिंदगी बदला। यहाँ तो गांव में कुल दंग रहता है, जाते हैं दो दो तीन तीन गाड़ी बदल बदल के जा रहे हैं, लगता है रही क्या करता, तो उसको बताते हैं, समझना है तो आओ बताते हैं सारा।